नमस्कार सलाम न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं हूं मुकुल सरल दक्षिण के राज्य कर्नाटक में चुनाव की डुगडुगी बज गई है राज्य में एक चरण में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना लेकिन इस चुनावी शोर में आप अपने मुद्दों को भूलना जाना यही मौका है यही मौका है जब राजनेता आपके द्वार पर आएंगे पांच साल फिर आप उनके चक्कर काटते रहिए इसलिए इस बार पक्का कर लीजिएगा कि आपकी समस्याओं से किसे सरोकार है सत्तारूढ़ भाजपा से तो जरूर पूछेगा कि उसके पिछले वादों और घोषणा पत्र का क्या हुआ वे अपने नए वादों और दावों के साथ आपके पास आएंगे तो आप भी अपने सवाल तैयार रखिए अपने सवाल हमें भी भेजिए हम वो पूरे जोर शोर से उठाएंगे तो आइए शुरू करते हैं चुनाव चक्र तो कर्नाटक में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को मतदान की तारीख 10 मई का ऐलान करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है तथा नामांकन 24 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं और जैसा कि बताया कि 10 को वोट और 13 को रिजल्ट यही मौका है कि हम सत्तारूढ़ दल के पिछले घोषणा पत्र को निकालकर फिर पढ़ें और पूछें कि पिछले घोषणा पत्र में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से लेकर मजदूर किसानों के हालात में सुधार का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ इधर उधर की बात बताएं तो आप अपने अनुभव के साथ उन्हीं के आंकड़े उनके सामने रख देना जी हां सरकारी आंकड़े जिसके अनुसार किसानों की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे नंबर पर है अपराध और स्वास्थ्य के आंकड़े हमने आपको पिछले एपिसोड में बताए थे कि अपराध के मामले में कर्नाटक देश में टॉप टेन राज्यों में है और स्वास्थ्य में फिसड्डी 2018 के घोषणा पत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज का वादा किया गया था लेकिन हर जिले में जिला अस्पताल तक नहीं है और रोजगार का हाल यह है कि राज्य के कामगार वर्ग का एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे राज्यों में पलायन होता रहता है तो आज के इस एपिसोड में हम मजदूर किसानों की स्थिति की बात करेंगे इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार और ट्रेनर जो सरकारी दावों और संदेशों की पड़ताल भी करते हैं राजकुमार राजकुमार जी न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर स्वागत है हमने पिछले एपिसोड में आपसे कर्नाटक की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे पर बात की इस बार हम बात करेंगे किसान और मजदूर की किसानों की आय और जीवन स्थितियां कितनी खराब हैं कैसे हैं किसान आत्महत्या के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है यानी देश में आत्महत्या करने वाला हर चौथा किसान कर्नाटक से आता है आपने रिपोर्ट भी की इस पर आप उनकी आमदनी जीवन स्तर और आत्महत्या के आंकड़े और उसकी मजबूरी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताए तो बताएं जी शुक्रिया मुकुल जी सबसे पहले तो आपका और कुछ बातें पिछली बातचीत में अधूरी रह गई थी तो अभी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा आपने बताया जो किसानों की जो स्थिति है देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और खासतौर पर कर्नाटक जैसे प्रदेश के लिए खेती बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे ए ए सिर्फ देश के आंकड़े नहीं बल्कि ये राज्य दर राज्य स्थितियां बदलती हैं वहाँ के मसले बदलते हैं क्रॉप जो है वो अलग किस्म की होती हैं और अलग आमदनी अलग है अलग स्थितियां हैं किसानों की खासतौर पर दो प्रदेश जो हमारे देश में जहां पर खासतौर पर किसानों की आत्महत्या के मामले में बहुत भयानक स्थिति है उनमें एक है महाराष्ट्र दूसरा है कर्नाटक तो कर्नाटक जो है वो देश में किसानों की आत्महत्या को लेकर दूसरे नंबर पे आता है मैंने तमाम आंकड़े दिए हैं जी मैं राजकुमार जी कहूं कि जैसे हम लोग जानते और पढ़ते रहे हैं कि विदर्भ की बात आती है जब किसान आत्महत्या की बात आती है महाराष्ट्र के विदर्भ की या यूपी के बुंदेलखंड की लेकिन कर्नाटक की ये स्थिति है ये इस शोर में और प्रचार के शोर में चुनावी शोर में कुछ सुनाई नहीं देता पता नहीं चलता कि दक्षिण का एक राज्य जो काफी समृद्ध राज्य कहा जाता है वहां भी किसानों की स्थिति ये है। एक तो ये दब जाती है शोर में बहुत शोर में सिर्फ किसानों की आत्महत्या नहीं ज्यादातर मसले दब जाते हैं क्योंकि चुनाव से पहले शोर इस कदर होता है उपलब्धियों के प्रचार और फिर वो डिवाइड एंड पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे कभी झूठी अफवाहें इतना शोर होता है ये सारे जरूरी मुद्दे जो है वो दब जाते हैं आमतौर पर लोग भी भी ध्यान कम देते हैं कि किसानों की क्या स्थिति है कर्नाटक के अंदर देखिए ये आंकड़ा ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ये आंकड़ा एक स्थिति को बताता है कि वो मजबूर हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं तो किन वजहों से हैं वहां के इरिगेशन की क्या स्थिति है वहां पे क्या उनको जैसा कि बीजेपी दावा कर रही थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे तो दोगुना हुई क्या उनकी आमदनी क्या लागत कितनी है वहां पे क्रॉप फेल्योर की क्या स्थिति है सूखे पड़ने की क्या स्थिति है है ना तो इन सब चीजों के ऊपर सरकारें नहीं बताती है और वो सिर्फ बताती है किसान सम्मान निधि कितने हजार करोड़ जो है एक क्लिक से किसानों के खातों में पहुंच रही है इस तरह की बातें कही जा रही है जो ठीक स्थिति की कोई तस्वीर पेश नहीं करती है सरकार के प्रोपगेंडा में काम आ जाती है दूसरा ये जो एक किसान आत्महत्या के बारे में तो हमने बात की और ये और ये बहुत बड़ा इशू है ये छोटी बात नहीं है हर चौथा किसान जो देश में आत्महत्या कर रहा है वो कर्नाटक से है और अगर ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है राजकुमार जी ये भी बता दीजिए ये आंकड़े हम कहां से लाए हैं कैसे दे रहे हैं सरकार के ही आंकड़े हैं क्योंकि एक डेमोक्रेसी में आप बाध्यता है कि हम आंकड़े कुछ इकट्ठे करें उसे लाएं हर साल उसे दें सवाल पूछा जाए राज्यसभा लोकसभा में तो आप ये भी बताइए कि आंकड़े कहाँ के हैं कैसे आपके पास हैं ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने राज्यसभा में है, तो उन्होंने, आ, साल दर साल आंकड़े आपको बता भी देता हूँ कि कर्नाटक की क्या स्थिति है जिन जो हमारे दर्शक है जिन्होंने अगर वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो वर्ष दो में ग्यारह किसानों ने आत्महत्या की है कर्नाटक में वर्ष 2018 और 2019 में 1366 और 1331 और वर्ष 2020 में 1000 और वर्ष 2021 में 1170 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर 2018 और 19 का आंकड़ा देखेंगे तो ये 1366, 1331, यानी साढे 1300 के आसपास है। 2020 में एक हजार बहत्तर पे आता थोड़ी कमी होती है लेकिन 2021 में ये फिर बढ़ जाता है और ग्यारह सौ सत्तावन पे ये आंकड़ा पहुंच जाता है ये तमाम आंकड़े राज्यसभा में हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किए हैं मुझे नहीं पता कि ये कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने ये आंकड़े देखे भी है कि नहीं देखे हैं या सरकारें इन आंकड़ों को सिर्फ प्रस्तुत कर देती है या देखती भी है देखिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हर रोज हर रोज तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं ठीक है कायदे से अगर एक भी किसान आत्महत्या करता है तो शर्म की बात है बेशक ये ये 11, ये जो पचहत्तर किसान है ये किसान देखिए किसानों का जो व्यवसाय है उसमें एक फर्क है जैसे बाकी रोजगार या बाकी मजदूरी में जो से अलग होता है वो क्योंकि किसान एक पूरा परिवार खेती में लगता है तो किसान की जो आय होती है इसीलिए जब हम किसान की आमदनी की बात करते तो हाउस होल्ड आमदनी होती है वो ऐसा नहीं होता कि आप मजदूरी करते हैं आप अकेले मजदूरी पे गए आपको जितना भी पैसा मिला आप लेके आ गए अगर आप मजदूरी दो लोग जाएंगे तो दो लोगों की मिलेगी लेकिन किसान परिवार तो पूरे खेत में काम करता है बेशक तो वो एक पूरे हाउस होल्ड की आमदनी होती है तो ये आमदनी पे मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूँ जो कर्नाटक में स्थिति है देखिये कर्नाटक में जो स्थिति है एक किसान परिवार जितना प्रतिदिन कमाता है वो जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसकी जो मिनिमम वेज है डेली की उससे भी कम है तो ये ये सब आंकड़े भी में इकतालीस रुपए परिवार की इसके हिसाब से जो है ये चार सौ चौवन रुपए प्रतिदिन बैठती है एक पूरे परिवार की मासिक आय और जो न्यूनतम मजदूरी है वो पांच सौ पिचानवे रुपए है तो एक किसान जिसमें उसकी लागत भी है पूरा परिवार अपने जो है एक तरह से हार्ड गड़ा रहा है उसमें खेत के अंदर लेकिन वो एक कंस्ट्रक्शन मजदूर जितनी मिनिमम मजदूरी भी वो नहीं अर्जित कर पा रहा है तो ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं ना कि किसानों की क्या तो स्थिति है और क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी दूसरा जी। एक महामदनी के बारे में एक और थोड़ी बात कर दू देखिए ये है ना बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की होती है अब ये कह तो दिया था प्रधानमंत्री ने कि 2022 तक दुगनी कर देंगे लेकिन ना तो कोई पूछ रहा ना वो बता रहे क्या स्थिति हुई ये जात की बात करेंगे वहां पे जो है किसानों की जो औसत आमदनी है वो ज्यादा है तो अगर वहां पे बीस हजार से ज्यादा चौबीस पच्चीस हजार के शायद छब्बीस हजार कुछ आमदनी है जो हरियाणा के किसानों की है तो उ, इसका मतलब है उनकी जब बावन हजार होगी तब डबल माना जाएगा है ना ये नहीं है कि दो में जो आमदनी थी जी जी तो ये आ, आमदनी जो है राज्य दर राज्य इसका जो व्याकरण है जो इसका समीकरण है वो अलग है लेकिन कर्नाटक में खराब स्थिति है आ, काफी दयनीय स्थिति है जो कहा थी जा, थी जा थी सकता है कि किसानों कि कि की कब्रगाह है, कब्रगा है कर्नाटक जी बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है हाँ, किसानों की कि कब्रगाह है है सनसनी नहीं कब्रगाहुल अतिशी प्रतिदिन तीन किसान एक राज्य में आज कर रहे हैं अगर जी आ, आपने इसी के साथ जोड़ा तो तो कि का मजदूरों का, तो... की स्थिति और वो उससे ही भी कंपेयर किया तो अगर हम आगे बढ़े मजदूरों के हालात पर उनकी आमदनी के बारे में उनके जीवन स्तर के बारे में उनके काम के बारे में तो मजदूरों को लेकर कर्नाटक कहाँ खड़ा है जी। जी। किस तरह की सुविधाएं और समस्याएं हैं बताइए जी देखिए ये किसान और मजदूर ये दोनों हमारे देश की रीढ़ है बिल्कुल और किसानों की स्थिति हमने बात की आमतौर पे अभी पिछले दिनों जो माइग्रेंट वर्कर को लेके कर्नाटक फिर सुर्खियों में आया लेकिन वो झूठी खबरों अफवाहों की वजह से सुर्खियों में आया और लॉ एंड ऑर्डर और की सिचुएशन क्रिएट हो गई वहां पर तो लेकिन इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पर जो यहाँ से जितने माइग्रेंट वर्कर वहां पे जाते हैं उनकी उनकी कुल मिला क्या स्थिति है या जो वहां से कितने वर्कर है जो बाहर जाने को मजबूर है काम की तलाश में और जो वहाँ पर ही काम करते हैं कर्नाटक में जो मजदूर है उनकी क्या स्थिति है देखिए अगर हम देखें तो जो बेंगलोर है वो एक तरह की बहुत एक, एक महानगर है साइबर सिटी कहा जाता है तो बेंगलोर की स्थिति ये है माइग्रेशन को लेके जिसको एक बड़े विकास की तरह से पेश करते हैं बेंगलोर हो गया मैसूर हो गया बड़े महानगर हैं वहाँ पे काफी आबादी है रोजगार के भी बाकी जगहों और ग्रामीण इलाकों से ज्यादा अवसर है तो बेंगलोर की अभी माइग्रेशन जो है वो फिफ्टी परसेंट से ज्यादा हो चुकी है बेंगलोर की जो टोटल आबादी उससे आधे से ज्यादा माइग्रेंट फिलहाल वहां पर है और इन माइग्रेंट में हम लोग सोचते हैं कि माइग्रेंट में वही होंगे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे भरे पड़े होंगे ऐसा नहीं है देखिए आप जब भी कोई बड़ी इमारत बनती है जब भी कोई मॉल बनता है जब भी इसमें आलिशान इमारतें बनती है साथ में झोपड़पट्टी बन जाती है बेशक तो तो वहां पर इस तरह के भी जो लोग जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या जो आ, जो गार्बेज काम करते हैं की जो स्थिति है अभी ज्यादातर जो आंकड़े हैं मजदूरों से संबंधित वो आंकड़े सरकार के पास ज्यादा है नहीं खासतौर पर माइग्रेंट वर्कर के वो इसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि सेंसस जो है वो 2011 में हुई थी उसके बाद 2021 में होनी थी तो हुई नहीं और सरकार कह रही कि कोविड नए आंकड़े भी आए नहीं है हालांकि कायदे से जो माइग्रेंट वर्कर पे खास तौर पे उनकी क्या आर्थिक स्थिति है क्या सामाजिक स्थिति है उनके काम की क्या वर्किंग कंडीशन है उनकी वहां के अकोमोडेशन क्या है जहां पे मजदूर काम करने के लिए जाता है नेटिव प्लेस को छोड़ के वो महिला और पुरुषों के मजदूरी में क्या हेर फेर है और इसकी क्या कास्ट समीकरण है इन सब चीजों पे कायदे से शोध होना चाहिए सर्वे होना चाहिए और सरकार को रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए 2020 में लेबर मिनिस्टर ने कहा था कि हम करेंगे उन्होंने लॉन्च भी कर दिया था लेकिन अब उसका क्या हुआ वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है उसका कुछ अता पता फिलहाल है नहीं तो इसमें मैं एक मोटी सी चीज बताना चाहता हूं आपको कर्नाटक के ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने किस पे स्टडी कराई थी पहले उस स्टडी उस के जो आंकड़े रिपोर्ट को इस को अध्ययन गौर, कर्नाटक गवर्नमेंट ऑन करती है ऐसा नहीं उन्होंने कहा था झूठी है फर्जी है नहीं उसको ऑन करती है तो उसमें आ, जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो कर्नाटक से बाहर गए जो कर्नाटक से बाहर जाके महाराष्ट्र में गोवा में गुजरात सूरत जैसे इलाकों में जाते हैं ये जो नॉर्थ कर्नाटक है वो ज्यादातर इस तरफ भी चले जाते हैं कुछ लोग जैसे की साउथ कर्नाटक बेंगलोर और मैसूर में की बजाय आंध्र प्रदेश की तरफ भी कुछ लोग चले जाते हैं तो उनको ढूंढा गया सब सब मजदूरों को ढूंढना मुश्किल था लेकिन एक एक साइजेबल नंबर मतलब पांच सौ लोगों से बातचीत की गई उनको ढूंढा गया कि आप क्यों आए छोड़ के तो उसमें से साठ प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों का ये कहना था कि हमारा आने का कारण वहां पर काम ही नहीं है आमतौर माइग्रेशन को लोग सोचते हैं कि हम जा रहे हैं कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं या कोई सोचेगा कि इनको वहां पे थोड़ा जीवन जो है थोड़ा बेहतर होगा बच्चों को कोई शिक्षा ठीक से मिल जाएगी पैसा ज्यादा मिल जाएगा लेकिन स्थिति उल्टी है साठ प्रतिशत मजदूरों का ये कहना था कि हम इसलिए आए वहां पे काम ही नहीं है

पिचहत्तर लाख तैतीस हजार निन्यानवे जो मजदूर है वो रजिस्टर्ड है इनमें से इकतालीस हजार इकतालीस लाख अठारह हजार अट्ठाईस मजदूर जो वो एग्रीकल्चर संबंधित जो रोजगार है उसमें वो संलग्न है तो यानी खेती से सीधा मजदूरी का भी एक संबंध जुड़ा हुआ है तो जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं आपका छप्पन प्रतिशत जो टोटल मजदूरों का जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ये पता और माइग्रेशन जो है साठ परसेंट कह रहे हैं कि हमें काम ही नहीं मिल रहा है तो ये कुल मिला के मजदूरों की किसानों की दोनों की स्थिति थोड़ा जुड़ी हुई भी है और ये बता भी रहा है कि कुल मिला के स्थिति क्या है इस तमाम इन जब हम इन मसलों पर बात करें तो हमें जाति समीकरण को नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल क्योंकि तो सबसे एक तो प्रमुख बात यह है चाहे मजदूरी है चाहे किसान है इसमें हमें ये पता लगता है कि कर्नाटक में बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती पे निर्भर है चाहे मजदूर है मजदूर भी बड़ी संख्या में खेती संबंधित कार्य ही कर रहे हैं है हमें देखना चाहिए वहां पे लैंड ओनरशिप की स्थिति क्या है क्योंकि ये जो माइग्रेशन है जो वहां से जो बता रहे हैं हमें वहां पे काम ही नहीं है चाहे वो आपका एक जिले से दूसरे जिले में माइग्रेशन हो चाहे वो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो उसमें बड़ी संख्या दलितों की है और दलितों की जो स्थिति है की की, लैंड ओनिंग की, जो दलित समुदाय के पास जो एवरेज एक औसत लैंड होल्डिंग है वो जीरो पॉइंट फोर हेक्टेयर है जो और जो आपका जो अदर कास्ट कहें या जनरल कास्ट हेक्टेयर औसत है तो अगर आप इस औसत को भी देखिए तो ये तो मतलब कई गुना ज्यादा एक औसत है तो जब जमीने हैं नहीं तो करेंगे क्या इसका एक सीधा संबंध है आपका मजदूरी से और माइग्रेशन से दूसरी जो बात है कि आमतौर पे मानते हैं कि अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपका इस कोई ढंग का रोजगार आप कर सकते हैं कई कलर लग सकते हैं कई आप कुछ और कर सकते हैं लेकिन ये रिपोर्ट हमें बताती है जो कर्नाटक गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले, ले लेते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि दलितों को अच्छी नौकरी मिलेगी क्योंकि इसमें इसका जो दर है जो सात परसेंट जो दलित समुदाय पाँच जो है एस समुदाय और ये सिर्फ एनरोल होता है हायर एजुकेशन में जबकि अगर हम बाकी उसमें देखें तो वहां पर 18 से प्रतिशत जो है वो औसत है देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आ, आपके पास ठीक ठाक शिक्षा है यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा है एजुकेशन है तो आ, लोग मानते आमतौर पर कुछ ढंग का रोजगार मिल जाएगा लेकिन दलितों के साथ ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट जो गवर्नमेंट की ही जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो यूनिवर्सिटी में जो इनमेंट है सात परसेंट सिर्फ इन्वॉलमेंट इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में दलितों का और आदिवासियों का मात्र पांच प्रतिशत जबकि जो बाकी जो स्वर्ण तबका है या जो अन्य जातियां हैं उनका अठारह परसेंट से लेकर बाईस परसेंट तक है तो इनरोलमेंट ही कम है नौकरियां मिलेंगी कहाँ से दूसरा यह है कि अगर इनरोलमेंट हो भी जाए चांस कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर भी ले तो भी कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी ये अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो अन्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड uh, uh, जो दलित है जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है उनका औसत ग्यारह दशमलव छह प्रतिशत है जबकि अन्य चार दशमलव दो प्रतिशत है सब सब सुविधाओं के सब स्कीमों के बाद तो अब हम इसे अगर अब तो इसके जाति समीकरण सारी को। बात को राजकुमार जी तो जैसे जी, हमने देखा किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं उनके भी स्थितियां Uh, काम की स्थितियां आय की जी, स्थितियाँ जी, जी. जीवन स्तर और फिर उसमें एक एक्टर आता है जाति वाला जिसमें दलितों के साथ इस तरह का जी. हम देख रहे हैं कि उन्हें उनके पास काम नहीं है जमीन नहीं है शिक्षा होने के बावजूद नौकरी नहीं है तो ये पूरा तो जी. आज हम इस बात को फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे यहीं समाप्त करेंगे हमने अपने दर्शकों को बताया आपने कि किसानों की क्या स्थिति है मजदूरों की क्या स्थिति है और उसमें भी एक जातीय समीकरण किस तरह काम करता है जी बस मैं अपनी आखिरी बात कह के खत्म करना चाहूंगा देखिए ये जो ये जो पुश फैक्टर है यहाँ का माइग्रेशन का उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है काम नहीं मिलना दूसरा बड़ा कारण है आपका फसल बर्बाद होना तीसरा बड़ा कारण है सूखा और चौथा एक बड़ा कारण है कर्जा इसमें अगर तो फिर ये जो माइग्रेंट करते हैं वहां से उसका बस एक स्थिति बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जो माइग्रेट करते हैं उनमें से तकरीबन 60 प्रतिशत ऐसे हैं जो 6000 हजार या इससे कम कमा पाते हैं सालाना, सालाना। की रहने की कंडीशन उनके बच्चे की जी नहीं नहीं सॉरी मासिक मासिक सालाना नहीं आ, सालाना नहीं मासिक मासिक जो उनकी औसत आमदनी आमद है वो छह या इससे कम है तो तमाम चीजें बता रही है क्या तो किसानों की स्थिति और क्या मजदूरों की स्थिति है अब प्रचार पूरा है तो अब लोग अपना समझ लें तो आ, राजकुमार जी अब चुनाव सर पे है और अब जनता को इन्हीं सवालों पर अपने नेताओं से अपने प्रतिनिधियों से जवाब लेना होगा जवाब लेना चाहिए जी. वरना फिर चुनाव और इन सब का कोई न, माने नहीं निकलता कि आपने चुनी सरकार और स्थितियां बद से बदतर हो गई बदतर हो तो फिलहाल राजकुमार जी आपने पिछले एपिसोड में हमें स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की जानकारी दी इस बार किसान मजदूर एक पूरा एक खाका आपने खींच के दिखाया कि कर्नाटक जो देश का एक समृद्ध राज्य कहा जाता है एक लोक बाग इधर हिंदी पट्टी में तो कर्नाटक के नाम पर बेंगलुरु ही जानते हैं और एकदम आईटी हब है और साइबर सिटी है और ये और अब जो मुद्दे आते हैं वो सामने आते हैं कि वो हिजाब है और ये है इस तरह के हिंदू मुस्लिम वाले लेकिन असल मुद्दे ये हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए बार बार बात करनी चाहिए न केवल चुनाव में चुनाव से पहले चुनाव के बाद भी और जनता को इस बारे में जागरूक होना होगा क्योंकि तो वो उसकी समस्या है और उसे उसे उठाना होगा पूछना होगा फिलहाल राजकुमार जी आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी जी आपका भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया तो साथियों आपने सुना राजकुमार जी से कि किस तरह कर्नाटक की स्थिति है मैं वो बात फिर नहीं दोहराऊंगा कि कैसे वहां कानून व्यवस्था की स्थिति थी कैसे आपने देखा कि रोज़गार की स्थिति है कैसे किसान और मजदूर की स्थिति है तो यही समय है मैं तो यही कहूँगा यही समय है कि आप अपने मुद्दों को पहचानिए उन पर बात कीजिए और अपने नेताओं को बात करने पर मजबूर कीजिए उनके घोषणा पत्रों को फिर से पढ़िए और उनसे सवाल पूछिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे खड़े हैं शुक्रिया धन्यवाद